कैबिनेट ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ के विशेष पैकेज को दी मंजूरी। किसान कल्याण के लिए पीएम प्रणाम योजना को दिखाई हरी झंडी। किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर है जोर। यूरिया सब्सिडी योजना को 3 साल तक जारी रखने को भी मंजूरी। सल्फर कोटेड यूरिया की भी शुरुआत। कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए भी अहम निर्णय। अगले पिराई सत्र के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला। देश में अनुसंधान के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को भी मंजूरी। 42वीं प्रगति बैठक में पीएम मोदी ने की 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा। विभिन्न शहरों में चल रही एम्स निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की भी हुई समीक्षा। पीएम स्वनिधि योजना के लिए पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और उन्हें कवर करने का भी निर्देश। भाजपा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय के एक वीडियो ट्वीट पर कर्नाटक में एफआईआर से भड़की बीजेपी। कहा, कांग्रेस ने दिलाई आपातकाल की याद। स्मृति ईरानी ने कहा, जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों से हैं राहुल के संबंध। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिके मनालो 4 दिन की भारत यात्रा पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। कहा, दोनों देश साझेदारी को और बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं काम। उपराष्ट्रपति ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर दिया जोर। रिजर्व बैंक ने पेश की देश की अर्थव्यवस्था की शानदार तस्वीर। मार्च 2023 में बैंकों का कुल एनपीए 3.9% के स्तर पर, यह है 10 सालों का सबसे कम स्तर। नेट एनपीए में भी आई कमी, 1% पर पहुंचा बैंकों का एनपीए। शेयर बाजार में दिखी रिकॉर्ड तेजी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। इससे देश के किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक देश के किसानों के लिए कई अच्छी खबर लेकर आई है। एक बेहद अहम फैसले में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही 3 सालों के लिए यूरिया सब्सिडी को जारी रखने का फैसला भी किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगले 3 साल तक के लिए किसानों को मौजूदा कीमत ही चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कई योजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी गई है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए, जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। दरअसल मोदी सरकार की योजना है कि देश के किसान उर्वरक का संतुलित इस्तेमाल करें, इसके साथ ही खाद के वैकल्पिक उपायों का भी खूब प्रयोग करें। इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उर्वरक सब्सिडी से जो बचत होगी उसको राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को वो जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट 10,00,000 मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज किया और केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज 3,00,000 मेट्रिक टन कम किया, तो 3,00,000 मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3,000 करोड़ की सब्सिडी में से 1,500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी, ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट
अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे या तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी उसका उपयोग कर सके। मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के MSP को पहले ही बढ़ा दिया था, अब गन्ना किसानों को भी राहत दी गई है। गन्ना पिराई के अगले सत्र के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है। साल 2023-24 सत्र के लिए गन्ने के FRP में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मोदी सरकार के गन्ने के FRP में बढ़ोतरी के फैसले का फायदा 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा। गन्ने की FRP के जरिए खरीद 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले नए गन्ने के सीजन से लागू होगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब 2014 और 15 में गन्ने का FRP महज 220 रुपए प्रति क्विंटल था। अगर मैं UPA के कालखंड की बात करूं, अगर 2004 से 14 की, तो कुल मिलाकर 2,71,204 करोड़ रुपए की खरीद हुई वैल्यू जो है उसकी, और 2014 से 2023 तक 7,46,066 करोड़ रुपये खरीद में हुए। आपको याद होगा उस समय के अगर परिदृश्य आप देखें, गन्ना किसानों को सड़कों पर रोक लगानी पड़ती थी, नेशनल हाईवे जाम रहते थे, पैसों का भुगतान नहीं होता था। लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे, पूरा भुगतान किसानों को किया गया है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूँ तो 99.7% इस तरह से भुगतान हुआ है, और जो बैकलॉग था वो भी क्लियर किया गया। मोदी सरकार उर्वरक के अंधाधुंध इस्तेमाल और खेतों की मिट्टी की सेहत के लिए फिक्रमंद है। यही वजह है कि किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन तो दिया ही जा रहा है, साथ ही ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनसे भविष्य में भी कृषि उत्पादकता बढ़ती रहे और जिससे किसानों की आय बढ़े, साथ ही हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे। साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी है। विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये फाउंडेशन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा और देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। इसके तहत वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए NRF नाम की एक शीर्ष निकाय की स्थापना करेगा। 5 सालों के लिए इसकी अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपए होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने DD News से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की लाभकारी योजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि किसान इस योजना का लाभ लेकर अपना उत्पादन बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 3,70,000 करोड़ का तोहफा 3 साल के लिए एक विशेष पैकेज के रूप में देश के किसानों को दिया है। ये विशेष पैकेज का लाभ लेके किसान अपने उत्पादन बढ़ाएगा, किसान को अपनी मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी की रक्षा होगी, केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम होने से मिट्टी भी बचेगी और उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, उसकी हमारे शरीर पर भी नेगेटिव इफेक्ट आती है, हमारे हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट आती है, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर भी हूँ, तो उससे भी हमें फायदा होगा। इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण पैकेज डिक्लेयर किया है और देश के किसान, 12 करोड़ किसान उसका लाभ लेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नैनो यूरिया को कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति बताया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया एक स्वदेशी उत्पादन है और दुनिया भर के किसान नैनो यूरिया की सराहना कर रहे हैं। जो नैनो यूरिया आया वो तो एक रिवोल्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये देश के लिए आत्मनिर्भर भारत तहत हिंदुस्तान में रिसर्च हुआ हो। दुनिया के पास नैनो यूरिया नहीं है, हिंदुस्तान ने रिसर्च किया, हिंदुस्तान ने मैन्युफैक्चरिंग किया। और एक अच्छी बात यह है कि हर देश के सभी कोने से सभी किसान नैनो यूरिया की सराहना कर रहा है, तो किसान नैनो यूरिया को एक्सेप्ट करने लगा है, तो ये उसका फायदा है। जो किसान एक बार यूज़ कर लेते हैं फिर से वो कन्वेंशनल यूरिया लेने के लिए नहीं जाते हैं, वो नैनो यूरिया का ही उपयोग करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि सरकार गोवर्धन संयंत्रों में जैविक उर्वरकों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है।
गोवर्धन योजना के तहत किसान के लिए गोबर भी आय का एक स्रोत बन पाएगा। व्यापक तौर पर जो देश में गोवर्धन स्कीम में चलने वाले सारे प्लांट से जो फर्टिलाइजर निकलेगा, ये फर्टिलाइजर भारत सरकार की फर्टिलाइजर कंपनी ही प्रोक्योर कर लेगी और उसके ऊपर भारत सरकार प्रति मैट्रिक टन 1500 रुपया दे देंगे, तो ये प्लांट चलेगा। प्लांट चलेगा तो किसान को गोबर का पैसा मिलेगा, प्लांट चलेगा तो उसमें से गैस मिलेगा, तो हमें गैस तो आज 100% ज़्यादातर इम्पोर्ट ही करना पड़ रहा है, तो इम्पोर्ट ना करना पड़े, कम इम्पोर्ट करना पड़े, उसके लिए भी उसका उपयोग हो जाएगा। ऐसे प्रयोग हमें करना ये समय की मांग है और दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए हमें भी बदलने की आवश्यकता थी। ये जो मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति के 42वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी 7 परियोजनाएं, रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाएं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 1-1 परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,21,300 करोड़ रुपये से अधिक है। ये परियोजनाएं 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। पीएम ने राजकोट, जम्मू, अवंतीपुरा, बीबीनगर, मदुरई, रेवाड़ी और दरभंगा में एम्स के निर्माण की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने सभी हितधारकों से कहा कि वो जनता के लिए इन परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए समय सीमा के भीतर काम को पूरा करें। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने मुख्य सचिवों से शहरी क्षेत्रों, विशेषकर Tier 2 और Tier 3 शहरों में सभी पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान करने और उन्हें कवर करने को कहा। पीएम मोदी ने पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मिशन मोड में अभियान चलाने और स्वनिधि से समृद्धि अभियान के अंतर्गत स्वनिधि लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने का भी निर्देश दिया। ध्यान रहे कि प्रगति, सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने यात्रा पैकेज समेत विदेशों में धन भेजने के लिए उच्च दर से स्रोत पर कर कटौती अर्थात TCS काटे जाने के फैसले को टाल दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार फिलहाल 30 सितंबर तक बढ़ा हुआ TCS शुल्क लगाने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे कि फॉरेन रेमिटेंस पर TCS की दर बढ़ाने का ऐलान बजट में किया गया था। टैक्स की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2023 से लागू होनी थी, अब इसे 30 सितंबर तक टाल दिया गया है। तमाम चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास की ओर बढ़ती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हो या फिर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दावा, S&P ग्लोबल की रिपोर्ट हो या भारत के ताज़ा चालू खाता घाटे के आंकड़े, सभी रिपोर्ट ये साफ दिखाती हैं कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होकर उभरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 27वां अंक जारी किया। रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC की उपसमिति की वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को लेकर किए गए समग्र मूल्यांकन पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ देशों में कमजोर हुई है, बैंकिंग प्रणाली भी कमजोर हुई और लगातार चल रहे भू राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति की स्थिति के चलते बढ़ी हुई अनिश्चितता का सामना कर रही है। FSR रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू वित्तीय प्रणाली को मजबूत आर्थिक बुनियाद का समर्थन मिला। रिपोर्ट के अनुसार निरंतर विकास की गति, मुद्रास्फीति में कमी, चालू खाते घाटे में कमी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और वर्तमान में जारी वित्तीय अनुशासन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था को निरंतर विकास के रास्ते पर बनाए रखने में मदद कर रही है। क्या कहती है RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट? रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को GDP विकास में तेजी और महंगाई में कमी के सौगात मिली जो दुनिया में कहीं और दिखती नहीं। रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2023 में बैंकों का कुल NPA 3.9% के स्तर पर रहा, जो 10 सालों का सबसे निचला स्तर है। उधर बैंकों के नेट NPA में भी लगातार कमी आई है और ये अब 1% के स्तर पर पहुंच चुका है।
माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक बैंकों में एनपीए में और भी कमी आएगी और ये 3.6% के स्तर पर पहुंच सकता है। बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट में पता चला है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी देश के वाणिज्यिक बैंक न्यूनतम पूंजी की आवश्यकताओं पर खरे उतरेंगे। उधर चालू खाता घाटा साल 2023 में जनवरी से मार्च तक की तिमाही में कम होकर के $1.30 अरब हो गया। यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.2% है। ऐसा व्यापार घाटे के संतुलन और सेवाओं के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी की वजह से हुआ। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर कमी दर्ज की गई थी, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 1.2% पर थी। एक और उपलब्धि को छूते हुए शेयर बाजार ने बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांकों में रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। कारोबार के दौरान दोपहर बाद सेंसेक्स ने 64,000 का लेवल पार किया और निफ्टी ने पहली बार 19,000 का आंकड़ा पार किया। बता दें कि अमेरिकी बाजारों में तेजी और विदेशी पूंजी की आवक बढ़ने से बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। बाजार सूचकांक में अहम भागीदारी रखने वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी होने से भी सकारात्मक धारणाओं को बल मिला है। उधर S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अगले 3 सालों तक दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान है। विकास की ओर बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए QS ने भी दावा किया कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है। QS का दावा है कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो साल 2028 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरे पायदान पर आ जाएगी। इसके लिए आबादी, रोजगार के अवसर, शिक्षा क्षेत्र में निवेश और गुणवत्ता जैसे मुद्दों से निपटने के लिए नीतियों का प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किए जाने की वकालत की गई है। गौरतलब है कि पहली तिमाही में यूरोजोन में विकास दर -0.1% रही, यानी तकनीकी तौर पर यूरोजोन की 20 अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। उधर अमेरिका में भी मंदी की आशंकाओं पर बहस का सिलसिला लगातार जारी है। जानकार मानते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संस्थाओं का सकारात्मक संदेश देश की आर्थिक नीतियों की सफलता का नतीजा माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान पूरी तरह से एकीकृत है, इसका परीक्षण पूरा कर लिया गया है और इसका लॉन्च 12 से 19 जुलाई के बीच किया जा सकता है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इज फुल्ली इंटीग्रेटेड, वी आर कंप्लीटेड द टेस्टिंग एंड आल्सो मेटेड विद अ रॉकेट कंपार्टमेंट दैट्स कॉल्ड पेलोड फेयरिंग एंड वी आर बिल्डिंग द रॉकेट नाउ। द रॉकेट असेंबली इज गोइंग ऑन, अनदर 2 डेज द रॉकेट असेंबली विल बी कंप्लीटेड एंड वी गो थ्रू ए रिगरस टेस्टिंग प्रोग्राम, देन वी विल असेंबल द चंद्रयान 3 ऑन द रॉकेट and we'll go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July and we will take the earliest possible date, maybe 12th, maybe 13th or maybe 14th. We don't go towards the end unless there is a technical issue cropping up. प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मिशन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश में इसकी एक और मिसाल तब देखने को मिली जब आयुष्मान भारत के तहत यूपी का पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफलता के साथ संपन्न किया गया है। इस किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए मेरठ जनपद की 28 वर्षीय नाजिश को नया जीवन मिला है। नाजिश और उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, जहां एक भी पैसा खर्च किए बिना यशोदा हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने ये ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा किया। मुझे पता चला कि मेरी दोनों किडनियाँ खराब हैं, तो मुझे यहाँ के ही एक स्टाफ ने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में बहुत अच्छी सर्जरी होती है। फिर हम यहाँ पे आए, हम डॉक्टर प्राजीत मजूमदार जी सर से मिले, उन्होंने हमें बताया कि आपके यहाँ आयुष्मान पैनल से ऑपरेशन हो सकता है और सर्जरी भी सक्सेसफुल हो सकती है। डॉक्टर वैभव शर्मा जी ने और डॉक्टर मजूमदार ने, डॉक्टर कुलदीप ने मेरी सर्जरी सक्सेसफुल करी, बहुत अच्छी सर्जरी करी और आज मेरी छुट्टी का दिन है। राहुल गांधी के एक बयान को ट्वीट करने की वजह से भाजपा नेता अमित मालवीय पर कर्नाटक में FIR दर्ज हो गई है, जिसको लेकर कर्नाटक में राजनीति तेज हो गई है। इस बीच भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। भाजपा, कांग्रेस और राहुल गांधी पर खासी मुखर नजर आ रही है। विदेशी धरती पर देश की छवि खराब करने के कथित प्रयासों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भाजपा के निशाने पर हैं। राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए विवादित बयानों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी
अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट की तो कर्नाटक में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। इस मामले में हमलावर तेवर अपनाते हुए भाजपा ने कहा कि आपातकाल की याद ताजा करते हुए गांधी खानदान ने देश को पुनः ये प्रमाण दिया है कि राज्य में ही उनके पास सत्ता आ जाए तो सच को दबाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की दृष्टि से अगर सोचे तो सवाल वाजिब है कि जो व्यक्ति कहता है कि आपके देश की सरकार को वो किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे देकर उखाड़ फेंकेगा, जो विदेशी कहता है, उसके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की न्यूयॉर्क की बैठक से जुड़े एक व्यक्ति को लेकर कहा कि इस व्यक्ति का संबंध इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से है। अमेरिकी कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक प्रस्ताव में इस संगठन के बारे में कहा गया कि इसका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है। भाजपा ने अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से रिश्तों को लेकर भी कांग्रेस से सवाल पूछे। स्मृति ईरानी ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें राहुल को सुनीता विश्वनाथ नामक महिला के साथ बैठे देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुनीता को अमरीकी उद्योगपति सोरोस से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। उधर कर्नाटक में भी इसको लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने जहां इसे पुलिस का दुरुपयोग बताया, वहीं कांग्रेस इस मामले में बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। पूर्वाग्रह पीड़ित मनस्थिति के वजह से ऐसा दाखिल किया है। FIR पहले दाखिल करना है तो अर्कावती लेआउट का मुद्दा के बारे में दाखिल करना, उसके बारे में कार्रवाई करना, करेगा तो वो ईमानदार ऐसा साबित होता है, नहीं है तो छुपाने के लिए, उसको स्कैम छुपाने के लिए, इशू डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है ऐसा मालूम होता है। कोर्ट में जाके बोलिए कि आपने जो किया है सही किया है गलत किया है, हमको लगा उन्होंने गलत किया तो हमने चार्जेस लगाए, अगर वो सही किए तो चार्जेस को मना करके। पिछले दिनों अपनी विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए थे जिन पर काफी विवाद हुआ था। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि राहुल इन विदेश दौरों में देश की छवि बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। अमित मालवीय का ट्वीट भी राहुल के ऐसे ही बयानों को लेकर था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिके मनालो भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात में एनरिके मनालो ने भारत फिलीपींस संबंधों को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि दोनों देश इस साझेदारी को और बेहतर बनाने की ओर प्रयासरत हैं। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच समानताओं और साझा मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग की बात कही। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिके मनालो ने 42वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी दिया। उन्होंने कहा कि फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार के मुद्दे पर भारत के पक्ष का समर्थन करता है। We each take the view that existing institutions must adapt to effectively address contemporary issues such as climate change and environmental sustainability, inequality and social justice, global health, migration and the rise of new and advanced technologies, among others. The Philippines appreciates India's advocacy for a reformed multilateral system that promotes inclusivity, transparency, and accountability. On this, the Philippines fully agrees. भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद से देश में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा समेत कई अन्य दलों ने इसका समर्थन किया है तो कांग्रेस समेत कई दल इसकी मुखालफत करते दिख रहे हैं। बुधवार को भी UCC के मुद्दे पर बयानबाजी का दौर जारी रहा। UCC के मुद्दे पर कई राज्य पहले ही अपने प्रयास आगे बढ़ा चुके हैं। आजकल हम देख रहे हैं
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और कहा कि एक ही घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी के तमाम नेता और केंद्रीय मंत्री इस मामले पर मुखर हैं और देश में समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहे हैं। Our Prime Minister and our Constitution repeatedly talks about equal rights for all Indian citizens, no discrimination for any citizens for or against. And therefore, these basic fundamental principles of our Constitution go to the root of vote bank politics that these political parties have built their edifice on for the last 75 years. So it is important to have these discussions, it is important to have the truth be revealed to the people. संविधान के अंदर धारा जो 44 वो कहती है कि सरकारों को कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा निर्णय हैं जिस निर्णय के अंदर सरकारों को कहा कि आज तक आपने कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं बनाया और क्यों कॉमन सिविल कोड नहीं बनना चाहिए। अगर क्रिमिनल लॉ यानी कोई चोरी डकैती हत्या करता है तो हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून नहीं, समूह के लिए समान कानून है। तो अगर क्रिमिनल लॉ समूह के लिए समान हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता? बीजेपी शासित राज्यों ने भी खुलकर इसका समर्थन किया है। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। पूरा देश चाहता है, देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बार इस विषय को सार्वजनिक करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तीन प्रमुख मुद्दे थे उसमें ये हमारा सामान्य नागरिक संहिता भी था, धारा 370 भी था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण भी था और लगभग तीनों मुद्दे समाधान की ओर है। इसलिए जो भी आज मैं कहूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कदम उठा रही है, हम वैचारिक दृष्टि से भी अपने मुद्दे पर कायम है। उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाई थी। अब इस पर जल्द ही ड्राफ्ट जारी हो सकता है। बीजेपी के कुछ और राज्यों में भी इस पर हलचल है, हालांकि कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी असल इश्यूज जो हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, मुल्क की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, उस सबको अलग हटा करके इन चीज़ों को एक बार फिर हाईलाइट करके इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। हालांकि कई विपक्षी दल भी इस मामले में सरकार के साथ खड़े हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सैद्धांतिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीती रात इस मसले पर एक बैठक बुलाई। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग ने जनता, सार्वजनिक संस्थानों और धार्मिक संस्थानों व संगठनों के प्रतिनिधियों से एक महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी का कहना है कि विधि आयोग द्वारा नोटिस के बाद समान नागरिक संहिता पर भारी प्रतिक्रिया मिली है। मंगलवार तक आयोग को 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमने कानून के उपयोग की जांच की और देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसकी बहुत आवश्यकता है और हम सभी हितधारकों और संगठनों के साथ व्यापक परामर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
समाज की बेड़ियां तोड़कर